थैंक यू इतना साथ देने के लिए. मेरे दोस्त के साथ कोई इतना बुरा करता, मैं नहीं चाहती कि वो उसका साया भी उस पर पड़े. रिक्वेस्ट है तुमसे बहुत, सुजीत को भूल जाओ. अंकिता ऐसा मत बोलो. इमोशन के साथ खेली तुम, फीलिंग्स के साथ खेली. अब जो हो चुका है उसे तो कोई बदल भी नहीं सकता ना. जानती हो ना तुम इस बात को. जय बाबा की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में. वीडियो देख ली होगी आप लोगों ने. मैंने नाम तो मुझे याद नहीं है, वो लड़की जो सरपंच की बहन है वो मुझसे मिली. मैंने देखे उसके हालात काफ़ी ख़राब हैं. उसका भाई बीमार है और उसकी कंडीशन घर की ठीक नहीं है. पर उसने इतना सब कुछ होने के बाद भी सुजीत से बोला कि मैं सुजीत से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में एक अच्छा और एक सच्चा इंसान खो दिया है. मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो भी मैंने किया है बहुत ही गलत किया है. पर उसकी मजबूरी रही, जो भी उसने किया उसकी मजबूरी रही. उसने अपने भाई के लिए जो भी किया. सुजीत से मैंने उस लड़की को मिलवाया, सुजीत ने माफ़ कर दिया है उसको. पर कहते हैं ना बिलीव नहीं करना, तो इतनी जल्दी किसी पर बिलीव नहीं होता. फिर उसके बाद सरपंच जी उससे मिले. जो भी सरपंच जी से उसकी बात हुई थी, जो भी प्लानिंग हुई थी, जितने भी उसको पैसे देने थे या उसकी जो भी मदद करनी थी, सरपंच जी ने उसको समझाया और उसकी मदद करी. उसके घर गए, उसको हॉस्पिटल लेके गए और उसके भाई को देखा और बोला कि हाँ लाइफ टाइम तक जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं उसकी मदद करूँगा. सरपंच जी ने भी अपनी गलती मानी और उस लड़की ने भी अपनी गलती मान ली है. जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मैं तो सिर्फ एक कह सकती हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर सकती कि क्यों किसी ने ऐसा किया या कोई क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे नहीं पता. सुजीत से भी उस लड़की की बात हो गई है, लेकिन उस लड़की को अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. पैसे भी सरपंच जी ने दे दिए हैं. पर वो मुझसे काफ़ी ज़िद कर रही है मिलने की कि एक बार तुम ही हो जो, मतलब सुजीत से बोल सकती हो कि वो मुझसे दोबारा दोस्ती कर ले, बात कर ले. काफ़ी टाइम से मतलब वो मुझसे ज़िद कर रही है. दिन में कई बार फ़ोन कर देती है, कई बार मैसेजेस कर देती है. एकदम से मैं भी उसको नहीं डांट सकती, नहीं बोल सकती कुछ भी, क्योंकि वो भी परेशान है अभी इस वजह से, इतना सब होने के बाद भी. पर मैं ये नहीं चाहती कि सब कुछ दोबारा से बिगड़े या कोई प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट हो. उसने बोला कि बस एक बार लास्ट टाइम मिल लो और मेरी सुजीत से भी बात करा दो. मैं उससे सुजीत से भी लास्ट टाइम मिलना चाहती हूँ. बस वो जो भी होगा मैं उसको मनाने की कोशिश करूँगी कि मेरे से दोस्ती कर ले और जो भी होगा ज़िंदगी में कभी दोबारा कोई गलती नहीं करूँगी. तो मैंने बुला लिया है उस लड़की को. क्या कहती है आज, क्या नहीं कहती, बोली बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, बस लास्ट टाइम मिल लो फिर मैं नहीं बोलूँगी. तो उसने बहुत फोर्स किया, इसलिए मैं उससे मिलने आ गई हूँ. मैंने अभी कॉल की उसको कि बस वो बोल रही है थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आ रही हूँ. तो आती है तो उससे बात करते हैं, जो भी होगा सॉल्व कर लेते हैं. A few moments later. Hi अंकिता. Hi. कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ. बैठो और बताओ सब ठीक है? तुम बताओ, तुम्हारे भाई कैसे? भाई तो वैसे तो ये लास्ट स्टेज है तो मुश्किल है. अच्छा, तो अभी कोई रिलीफ नहीं हो रहा है? तो रिलीफ होता भी है तो फिर वो जो पेन उठता है ना अचानक, तुम्हें तो पता ही है उस बीमारी का पेन जो उठता है वो उससे बर्दाश्त नहीं होता. तो काफ़ी टाइम से एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल नहीं चेंज किया है या उसी में है? यार वो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है दिल्ली का. अच्छा, उसमें डाल रखा है. और सुजीत कैसे है? ठीक है, तुम बताओ. मैं तो कहाँ ठीक हूँ, बस मैं ये बोल रही थी कि वो सरपंच जी से मिली थी, उन्होंने मुझे बुलाया था. पता चला. वैसे तो मुझे उनकी किसी अब मदद की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब जब कोई चीज़ बचनी नहीं वाली है तो वो मेरे भाई की मदद करते हैं, उनके लड़के जाते हैं हॉस्पिटल में देख रेख करते हैं. तो मदद कर रहे हैं सरपंच? हाँ, उन्होंने माफ़ी वगैरह भी मांगी मुझसे, लेकिन अब जो हो चुका है उसे तो कोई बदल भी नहीं सकता ना. जानती हो ना तुम इस बात को, जो हो चुका है उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कुछ सुधार नहीं सकता कोई. चाहे कितना भी हम कर लें उसको हम नहीं सुधार सकते. और मैंने बहुत कुछ खो दिया इस प्लान के चक्कर में, बहुत कुछ खो दिया. तो फिर मुझे ये पता है कि अंदर कैसा गिल्ट महसूस होता है कि बात भी करने का मन नहीं करता किसी से. लेकिन अंकिता मैं तुमसे एक बात कहूँ यार, मैं तुमसे एक फ्रेंड की तरह बोल रही हूँ, क्या तुम मेरे को एक बार सुजीत से मिलवा दो यार. तुमने बोला कि एक बार मिलवा दो, मैंने तुमसे मिलवा दिया, अब तुम दोबारा बोल रही हो. बस आज लास्ट बार बुलवा दो यार उसे एक बार. तुम क्या चाह रही हो मुझे तुम इतना बता दो कि मैं ये चाह रही हूँ और इसका ये एंड है, तुम मुझे इतना बता दो. तुम्हें उन्होंने माफ़ कर दिया, तुम जानती हो कि बिना बताए मैं तुम्हारे भाई को देखने गई, तुम्हारी कंडीशन देखने गई,
और बिना बताए मैंने तुमसे बात करी, मैंने सुजीत को भी नहीं बताया, तुमने मुझसे बोला कि मत बताना, बस तुम मेरी बात सुन लो, तुम मेरा एक बार हालात जान लो कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, तुमने मुझसे बोला। इस चक्कर में मैंने सुजीत को भी नहीं बताया, बिना बताए मैं उनसे मिली, बिना बताए मैंने उनको बुलाया, तुमसे मिलवाया, तुमसे बात करी। तुमने देखा था उस दिन आते ही एकदम से मुझ पर गुस्सा किया यार, पता है। लेकिन जो उस दिन मैंने उनसे बात करी, मुझे लगा नहीं कि सुजीत ने मुझे माफ़ किया है दिल से, इसलिए कह रही हूँ एक बार मिलवा दो। पता है मैं अंकिता सच बताऊँ, मैं चाहती हूँ कि सुजीत और मेरी दोस्ती दोबारा हो जाए। अब तुम बताओ, जब उस टाइम उन्होंने लास्ट टाइम बोल दिया कि ठीक है माफ़ कर दिया और कोई मतलब नहीं है, तो फिर बताओ फिर वही बात दोबारा? फिर मुझे पता है ऐसा होगा तो नहीं यार, लेकिन पता नहीं क्यों उसको देखने का मन करता है कि एक बार उसको देख लूँगी ना, वो मुझे एक बार अच्छे से ये बोल दे कि हाँ मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तुमने जो मजबूरी में किया ये सारी चीज़ें, और मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। एक बार प्यार से मुझे बोल देना, मुझे सुकून मिल जाएगा। देखो अंकिता, मेरी रिक्वेस्ट है, आज बुला दो ना उसे यार। मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान लेती हूँ, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम उससे रिक्वेस्ट करो, ऐसा कुछ है, पर मैंने बुला दिया था। अगर अब दोबारा मैं बुलाऊँगी तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तुम समझ नहीं सकती कि मेरे लिए उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तुम समझने की कोशिश करो सिर्फ, जैसे मैंने तुम्हारी बात समझी, मैंने तुम्हारी हर एक बात को लेके चला, मैं तुमसे मिली, तुम एक कहते ना, एक मिलने का तुमसे कोई मतलब नहीं था या कुछ भी तुम्हारा मैटर नहीं था, लेकिन मैं तुमसे फिर भी मिली, तुम्हारी बात सुनी, तुम्हें उनसे मिलाया। तो पता है अंकिता, ये जो भी कुछ हुआ ना, ये जो मैंने किया, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी, पता है यार। ऐसे मत बोलो, मेरे से अब वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती है, ऐसा लगता है मैं अकेले जब बैठती हूँ ना तो मेरे कानों में गूंजती है वो सारी चीज़ें कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया यार उसके साथ। पता है इतना तो कोई किसी के दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा यार, मेरा बहुत दुख है यार। मैं उसको दोबारा चाहती हूँ, पता है, अपनी ज़िंदगी में, कि वो जो मेरे को पूछता था, एक दोस्त की तरह मेरा ध्यान रखता था। तुम्हें कभी ऐसा लगा कि वो इंसान तुम्हारे साथ होकर भी साथ नहीं है? ऐसा लगता था कभी? हमेशा लॉयलिटी रहती थी, और जब भी पता है तुम वो मैं किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं कि कभी उसने कभी किसी की बुराई तक नहीं करी, पता है उसने कभी? वो नहीं है ऐसे, बिल्कुल नहीं है। वो जिसके साथ अगर दोस्ती कर लें तो चाहते हैं कि जब तक मेरे में दम है, जब तक मैं कर सकता हूँ उस इंसान के लिए, वो तब तक करते हैं। लेकिन सच में उनको बहुत लोग धोखा दे जाते हैं, उनकी सच्चाई से, उनकी लॉयलिटी से, मतलब लोग उनको चीट कर जाते हैं जाने अनजाने में। मैं तुम्हें नहीं कर रही, माइंड मत करना। सुजीत का अच्छाई का एहसास देखो अब हुआ ना यार। चीज़ जब खो जाती है तभी उस चीज़ के बारे में पता चलता है कि उसकी कीमत क्या थी और उसकी वैल्यू क्या थी। अंकिता तुम तो एक मेरी दोस्त की तरह एक बार उसे समझाओ ना, मेरी तरफ से समझाओ ना। क्या समझाऊं? कि वो मेरे से बात कर ले। देखो मुमकिन नहीं है। प्लीज़ अंकिता तुम कर सकती हो, पता है तुम उसके सबसे करीब हो दिल के, तुम सारी जो तुम एक टीम हो, तुम लोग सबसे उसकी फैमिली से भी बढ़कर हो, पता है वो तुम्हें इतना मान देता है वो तुम्हें। जानती हूँ मैं। प्लीज़ तुम एक बार बात करो ना सुजीत से अंकिता, तुम मेरे से बात कर ले प्लीज़ ना यार, तुम ही कर सकती हो अंकिता, और कोई नहीं कर सकता है। देखो प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो हुआ सो अब उसे भूल जाओ, मैं तुमसे इतना कह रही हूँ बस, जो भी हुआ प्लीज़ उसे भूल जाओ। तुम मत सोचो, एक बात बताओ, अगर कोई इंसान ज़िंदगी से चला जाता है, सपोज़ कोई भी इंसान अगर ज़िंदगी से चला गया, क्या वो तुम उसकी रिक्वेस्ट से, तुम उसे सॉरी बोल बोल के उसके डेड बॉडी पे तुम उससे बोल सकती हो कि प्लीज़ एक बार वापस आ जाओ? बताओ तुम बोल सकती हो? ये तो सच्चाई है, लेकिन क्या करूँ, सच्चाई है, मानता ना है ना ये सच्चाई, तो तुम सोचो कि अंकिता, लेकिन पता, तुम एक बार मेरे लिए कोशिश कर लो ना बस अंकिता। तुम्हारे लिए एक बार कोशिश ही ना मैंने, तुम बताओ, अगर तुम बोलती कि मुझे मिला दो और मैं उसी टाइम मना कर देती, तो उसे कहते कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने तुम बताओ, तुम अपने दिल से पूछ के बताओ, तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारी जगह होती तो सीरियसली बताना, क्या एक बार भी तुम सुजीत से चाहती कि मैं बात कर लूँ, ये तुम मिल लूँ मैं सुजीत से? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ मेरी, मेरे दोस्त के साथ कोई इतना बुरा करता, मैं नहीं चाहती कि वो उसका साया भी उस पर पड़े, बात भी कर ले वो उससे, तुम मिलवा देती, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अंकिता तुम जितने भी लोग हो ना, तुम लोग आपस में, तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है अंकिता, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, मैं क्या करूँ यार अपनी ज़िंदगी में, कुछ करने का भी मन नहीं करता यार। देखो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो तुम काफ़ी, तुम इतना सब कुछ लड़ गई, तुमने इतना सब कुछ कर दिया, तो
तुम ये सोच के भूल जाओ कि एक बुरा सपना था, मैं तो इतना ही कह पाऊंगी। बहुत बड़ी बातें कर रही हूँ मैं, पर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं लाइफ में, अगर मूव ऑन करना हो। भूला नहीं जा रहा ना अंकिता यार, भूला ही तो नहीं जा रहा वो सारी चीज़ें, वो टाइम स्पेंड करना एक दोस्त की तरह, उसका सबसे लड़ जाना मेरे लिए, वो दिमाग से वो चीज़ निकल नहीं रही ना। समझ सकती हूँ, क्या करो यार। समझ सकती हूँ, पर तुमसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को अब तुम भूल जाओ। हम्बल रिक्वेस्ट है तुमसे बहुत, सुजीत को भूल जाओ। अंकिता ऐसा मत बोलो, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद सारी तुमसे भी तो उम्मीदें थी कि तुम एक अच्छी दोस्त रहोगी सुजीत की, या तुम परेशान हो। पास्ट भी तो पता लग, पास्ट भी पता चल गया। तुम्हें भी तो उस सुजीत को भी तो उम्मीद थी कि हाँ एक दोस्त मिल गई, एक अच्छा साथी मिल गया, सबको उम्मीद थी। मेरे से कभी बात नहीं करेगा, तुम्हें लग रहा है क्या? तुम अपने दिल से बता दो यस या नो। करेगा तो कभी भी नहीं, लेकिन एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक बार कोशिश की, ना चाहते हुए भी तुम जानती हो कोशिश की मैंने, क्योंकि मेरा दिल गलत नहीं चाहता और मेरे दिल में कुछ गलत नहीं है, ना तुम्हारे लिए, ना सरपंच जी के लिए, ना सुजीत के लिए। सारी चीज़ें मैं अभी भी सोच सकती हूँ, अभी भी तुम्हारी प्लानिंग है, सपोज करो तुम, सोच सकती हो ना। हाँ, मैंने काम ही ऐसा किया है कि ट्रस्ट, क्योंकि तुमने हर चीज़ करी, तुमने इमोशन के साथ खेली, तुम फीलिंग्स के साथ खेली, सब चीज़ के साथ तुम खेली। तो अभी भी मैं सोच सकती हूँ कि शायद अब भी सरपंच कुछ ना कुछ, सरपंच खुद भी आके माफ़ी मांग रहे हैं, तुम्हें भी, मतलब तुम भी आ गई अब दोबारा अब तुम लोगों की क्या प्लानिंग हो सकती है, मैं सोच सकती हूँ। पर ना चाहते हुए भी मैं सोच रही हूँ कि चलो ठीक है, ख़त्म करो सब कुछ। जब कोई इंसान अब अपनी इतना सब कुछ अपना चिट्ठा खोल के दिखा रहा है कि ये सब कुछ है, ये देख लो मेरे हालात हैं, तो बिलीव करना बनता है। तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, और ना मैंने किया, शायद ही मैंने भी कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। हाँ, उस दिन तुम टाइगर को ले गई थी तो मैंने थोड़ा बोल दिया था, पर कसम से मैंने टाइगर के साथ कुछ बुरा नहीं किया। हाँ हाँ, मुझे पता है, नहीं किया होगा, वो तो बेजुबान जानवर है, उसके साथ किया किया होगा तुमने, कोई बात नहीं। पर मैंने उसी दिन तुम्हारी मेरे से मुलाकात हुई थी, उसके बाद तो मेरी नहीं हुई, बस उतना ही हुआ था और कुछ नहीं। तो अंकिता, मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं क्या? देखो, उम्मीदें ख़त्म हो जाना मैं ये नहीं कहती, ज़िंदगी में अगर एक रास्ता बंद हो जाता है ना तो कई सारे खुल जाते हैं। तुमसे देखो, एक तुमने मुझे एक दोस्त बोला कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, एक दोस्त के नाते ही तो मैं तुमसे इतना कहूँगी, कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसी वो ढूँढो, ऐसी वजह ढूँढो जिससे तुम खुश रह पाओ और सब कुछ भूल जाओ। बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं हमारी ज़िंदगी में, कोई चला जाता है हमें छोड़ के, या ज़िंदगी से चला जाता है, तब भी तो हम भुलाने की कोशिश करते हैं ना। तो तुम मत पढ़ो दोबारा इन चक्करों में, मत पढ़ो। अब तो पढ़ने की वजह नहीं है, पहले तो एक। हाँ, तो बस इतना कह रही हूँ, और मैं इतना ज़िद नहीं कर सकती कि प्लीज़ तुम उससे बात कर लो, क्योंकि मैंने भी अपनी आँखों से देखा है। और तुमने यही कहा कि मेरे दोस्त को अगर कोई आँच पहुँचाने की कोशिश करे तो मैं तो उसका साया भी उस पर ना पड़ने दूँ, तो वो तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मैं तो चाहूँगी भी नहीं। पर फिर भी मैंने भूल के सब कुछ तुम्हें मिलवाया, तुमसे बात कराई, तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करी कि हाँ ठीक है माफ़ कर दो। चाहते तो वो उस टाइम भी जा सकते थे, पर वो मेरे कहने से रुके रहे कि कोई बात नहीं, बात कर लेता हूँ। पर आते ही उन्होंने कहा कि क्यों बुलाया तूने इसे, मैंने कहा बात करना चाहती हूँ, बात करने में क्या जाता है, बात करने में तो तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती उनका। ठीक है, तो समझो मेरी बात को, मत परेशान हो मुझे बार बार कॉल करके, मुझे भी बुरा लगता है। मैं तुम्हें बोलती हूँ ठीक है थोड़ी देर में बात करें, जो भी है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि जब रूम पे कॉल आएगा तो सबको ही पता चलेगा किसका कॉल है किसका नहीं है। तो फिर वही बात है, मैं तुमसे नहीं बोल सकती, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाता है लाइफ में। बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तुम्हारे साथ, तो भोलेनाथ की दुआ से कुछ भी गलत नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बिगड़ा तुम्हारा। तुम्हारे भाई भी अभी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मम्मी भी है, तुम भी ठीक ठाक हो, तुम भी सलामत हो। तो इतना करो कि सब कुछ भूल के आगे बढ़ो लाइफ में। अंकिता, थैंक यू सो मच, तुमने मेरा इतना साथ दिया है। थैंक यू, जैसी दोस्त भगवान करे सबको मिले। बाकी चलो कोई नहीं, मेरी किस्मत में जो था वो मिल गया मुझे। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत लगे ना कि मैं कभी कहीं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, मुझे तुम ज़रूर याद करो। तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े ना कि कभी भी कोई भी, वैसे तो देखो तुम लोग इतने काबिल हो कि तुम लोग सब कुछ कर लोगे अपने लिए, लेकिन फिर भी अगर मेरी कभी याद आए तो मुझे ज़रूर याद करना। दुख में ना सही, खुशी में तो ज़रूर आना मेरे। ठीक है, मैं खुशी में ज़रूर याद करूँगी तुम्हें। ठीक है, और इतनी अपने बारे में अपना इतना मत सोचना कि मैंने गलत किया, गलती अनजाने में हुई है, भूल जाओ। ये मत सोचना कि तुम बहुत ख़राब लड़की हो या मैंने क्या कर दिया, मत सोचना। जो भी किया अपने भाई के लिए किया मजबूरी में, ठीक है। अपनी मम्मा का सहारा हो तुम, अपने भाई का सहारा हो, कुछ भी ज़िंदगी में गलत मत करना, बस इतना है।
ठीक है, कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, एक बार मुझे याद करना। अगर मेरी हैसियत रही तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, याद करना एक बार, ठीक है? बस इतना। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, दोस्त में थैंक यू नहीं बोलते। ओके, थैंक यू इतना साथ देने के लिए। कोई बात नहीं, चलो।